तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी तो एक तो रमन कुमार है, उन्होंने बैंक वालों ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ गोली चलेगी। तो रमन कुमार है, इनका एक स्वीफर है, कर्मी है बेचारा, 2015 से था यहाँ पर, तो उससे गोली चली है। और सिक्योरिटी गार्ड हैं तो दूसरे वाले, इसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड हैं अपने रामचंद्र जी, उनका वेपन था खुद का जी। तो जैसे वो खाना खाने गए अपने रूम में, वेपन रखे तो उससे गोली चली है। तो अभी जांच कर रहे हैं कि खुद चलाई उन्होंने या गलती से चली है। हमारा स्कूल रूम है ना, उसमें स्कूल रूम में गन जैसी अंदर रखी, उसके बाद क्या हुआ कि ये अब जैसे ही होता चाय पानी के लिए बाहर को निकल गया। ये पहले यहाँ पे काम कर रहा था, जब इसने बल्कि जाड़े जुड़े वो निकाले कोई 2 बजे के आसपास, तो ये लगभग कोई 2:10 या 2 मतलब उस पर जाके अंदर गया, इसने गन उठाई और अपनी को कर दिया। मैं यहाँ बैठा हुआ था, मेरा पूरा स्टाफ बाहर बैठा हुआ था, उसने एक मेरा जो पीएन है ना वो आया, उसने बोला कि सर इसने अपने को कर दी, उसने स्टाफ वाले और आगे, तो इमीजिएट जाके मैंने वहाँ पे देखा तो ये नीचे पड़ा हुआ था और थोड़ा मतलब एक आधी सांस आई इसके, मतलब तो मैंने इमीजिएट बोला तुम हॉस्पिटल को कॉल करो, और मैंने एकदम से पुलिस को कॉल कर दिया। फिर हमने उस टाइम उसके बाद तो हमने इसको छेड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, तो बिल्कुल नॉर्मल था। 2 बजे भी खुद बल्कि ये सारे यहाँ जाड़े जुड़े साफ करके गया, बिल्कुल नहीं वो लग रहा था। सर्विस से जिस दिन से ब्रांच खुली मेरे ख्याल 4.5 साल तो हुई है, 4.5।